नमस्कार, दो मिनट में 20 बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जी हाँ, शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, केवल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। अगले अपडेट में आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला अपडेट, देश में 140 दिनों के बाद कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हुई। अगला अपडेट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में तैयार कोविड वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया। अगले अपडेट में बताया आपको, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की चौथे चरण के चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ। अगले अपडेट में आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे ICM 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 94.37% हो चुकी है। खरीफ की फसल में धान की खरीदारी पिछले साल की तुलना में 22% अधिक। भारत कोविड 19 टीके के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कोविड 19 महामारी को देखते हुए ई शिक्षा और वर्चुअल प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। भारत और इजराइल के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 विकेट श्रृंखला का तीसरा मैच आज दोपहर 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। शस्त्र बल झंडा दिवस के अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल ने लोगों से सेना के जवानों के लिए योगदान की अपील की। अगला अपडेट, न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने कल विधिक सेवा कार्यक्रम इंसाफ की दस्तक की शुरुआत की। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 21 सीटों के लिए कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। HALIISC के कौशल विकास केंद्र में कल पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा, तापमान 11 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। भारतीय सीमा में घुसाई दो पाकिस्तानी नाबालिग लड़कियों को सही सलामत वापस लौटाया गया। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत ठीक, पति सारा बानो ने दी जानकारी। शरद पवार और कांग्रेस ने खुदकुशी बिल लाने का किया था आश्वासन, अब हमारी पलटी बीजेपी का बयान। तेलुगु अभिनेत्री विजया शांति पुनः बीजेपी में हुई शामिल। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने व राजशाही वापस लाने के लिए प्रदर्शन जारी। कांग्रेस APMC एक्ट खत्म करना चाहती थी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। इस प्रकार से इस खबर में ये थी कुछ लेटेस्ट फटाफट खबरें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए JKN के साथ, लगातार आपको लाइव अपडेट्स, ताजा खबरें फटाफट JKN न्यूज पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।